नमस्कार, तेज हरियाणा की सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और हाँ, आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। ओपी चौटाला दोषी करार, आय से ज्यादा संपत्ति केस में पूर्व सीएम को 26 को होगी सजा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को दोषी करार दिया गया है। चौटाला को सजा कितनी हो इसके लिए 26 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें पूर्व सीएम ओपी चौटाला भी मौजूद रहे। दोषी करार दिए जाने के बाद चौटाला के वकील हर्ष कुमार शर्मा ने कहा है कि उनको कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की सजा हो सकती है। फतेहाबाद हिसार में गिरे ओले, कई जगह बरसात, हरियाणा में बदला मौसम। हरियाणा में शनिवार को मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। कई जिलों में जहां बूंदाबांदी का दौर चला, वहीं फतेहाबाद की भूथन कला और हिसार के अग्रोहा खंड के गांव कुलहरी में जमकर ओले गिरे। पूरे प्रदेश में सुबह से आसमान में बादल विचर रहे हैं और इस वजह से तापमान में गिरावट आई तथा लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने से मौसम ठंडा हो गया। कांग्रेस नेता की शिकायत पर सीबीआई ने 2005 में किया था ओपी चौटाला पर केस दर्ज। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला और उनके दोनों बेटों के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर सीबीआई ने वर्ष 2005 में दर्ज किया था। सीबीआई ने 26 मार्च 2010 में चार्जशीट दाखिल की थी। शमशेर सुरजेवाला का वर्ष 2020 में निधन हो गया था। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। चौटाला के बाद अभय और अजय की बढ़ी मुश्किलें, तीनों पर आय से ज्यादा संपत्ति के केस। आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व ओपी चौटाला दोषी ठहराए जाने के बाद दोनों बेटों अजय और अभय चौटाला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल चौटाला के अलावा इन दोनों पर भी आय से अधिक संपत्ति के केस दर्ज हैं। तीनों पिता पुत्रों पर सीबीआई ने ये केस दर्ज किए थे जब केंद्र के अलावा हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। इन्हीं में से एक मामले में ओपी चौटाला को शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। पानीपत उद्यमी हुए एकजुट, सरकार को दी चेतावनी, पीएनजी का बढ़ाई अल्टीमेटम। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 30 सितंबर को उद्योगों को पीएनजी पर शिफ्ट करने के अल्टीमेटम पर पानीपत के सभी इंडस्ट्रियल एकजुट हो गए हैं। आज पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले सभी उद्योगों से जुड़े उद्योगपति इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर कई बड़े फैसले लिए जिसमें मुख्यतः कहा गया है कि सरकार पीएनजी पर शिफ्ट करने के लिए दिए गए अल्टीमेटम को आगे बढ़ाए, नहीं तो पानीपत के उद्योगपति यहाँ से पलायन करने को मजबूर होंगे। बड़ी लापरवाही, बीपीटीपी एलीट पार्क प्रीमियम सोसाइटी में फैला डायरिया। बिल्डर के कर्मचारियों की लापरवाही से ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 85 स्थित अलीट पार्क प्रीमियम सोसाइटी में रहने वाले परिवारों की जान संकट में पड़ गई। पानी की सप्लाई में एसटीपी की लाइन जोड़ने से गंदा पानी लोगों के फ्लैट में पहुंचने लगा। पीने से सोसाइटी के डायरिया फैल गया। करीब 200 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए। बीमार होने वालों में अधिकांश बच्चे शामिल। शिक्षा विभाग ने बच्चों को लू के टिप्पणों से बचाने के लिए बनाई खास रणनीति, जारी की एडवाइजरी। शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों को हीट वेव से बचाने के लिए तैयारी पकड़ ली है। विभाग ने शिक्षकों को सुबह स्कूलों में जल्दी पहुंचने, दोपहर होने के बाद बच्चों को घरों में भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिक्षा के अलावा अन्य गतिविधियाँ तेज धूप होने से पहले पूरी करवाई जाएं ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई हीट वेव से होने से वाली परेशानी न झेलनी पड़े। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में ओआरएस का घोल भी उपलब्धता भी निहायत जरूरी करने के आदेश दिए गए। फतेहाबाद में नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 किलो फेम सहित 3 काबू। नशा तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। फतेहाबाद पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 3 किलो से अधिक अफीम बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़ी गई अफीम की कीमत 6 लाख रुपये से ज़्यादा बताई गई। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आपस में भिड़ गए कांग्रेसी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने किसी तरह कांग्रेसजनों को शांत करवाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता लखन सिंगला द्वारा सेक्टर 19 स्थित अग्रसेन भवन में पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान द्वारा की गई। फिलहाल हरियाणा की टॉप 10 खबरों में आज के लिए इतना ही। आप हमें कहां कहां से देख पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जिले का नाम जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे।